बस ये खुदा की रहती है। आपकी खुदा की सलामती हो। अच्छा बता दे, मैं भी सुन रहा हूँ। सूरज नबी साहब जी, जी अब मैं भी सुनता हूँ, बताएं जरा खुल के कि ये कोशिशें कहाँ कहाँ से कहाँ तक। जी हजूर, ये कोशिशें आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले शुरू हुई थी। वाह। और मुख्तलिफ तरीकों से होते हुए, क्योंकि बरेलवी फिरके से ताल्लुक था जी, वहां से होते हुए हम अहले हदीस, और फिर अहले हदीस से हमने जमात अहलिया भी देखी, फिर हम कुरानिस्ट हो गए। कुरानिस्ट होने के बाद फिर हम इस नतीजे में पहुंचे कि हमारी जुबान बोलने वाले अंबिया हो सकते हैं कहीं ना कहीं, फिर हमने तलाश शुरू कर दी। तो खुदा ने आपसे मिला दिया पहले। वाह। तो पहली मुलाकात ये अपना YouTube पे हुई। हाँ जी हुजूर, पहला मैंने आपका नंबर वहीं से लिया। तो फिर कांटेक्ट किसने किया था, आपकी वालिदा साहब ने? जी हुजूर, मैंने किया था कांटेक्ट। अच्छा, आपने किया था। ठीक है, ठीक। और फिर परमिशन उनकी थी, सब साथ थे। अच्छा, वो अच्छा, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए। तो आपकी मैं सुनना था बातें। ये हमारे ऐवान साहब ने, ये हमारे ऐवान साहब जी हजूर, मैंने वसूल कर लिया, मैंने आपको लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको खुदा की सलामती जी। आप अकबर साहब, आप पे भी खुदा की सलामती। सलामती अपना ऐवान साहब सब पे। तो मैं आपकी बातें सुन रहा था, तो मुझे कहना बड़ा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो काफ़ी तरक्की हो रही है आज का। मैं आपकी बातें सुन रहा था, गलती तो एसनम मोहब्बत में कोई गलती नहीं होती। मेरी दीवानगी पर बहस करने वालों, मेरी दीवानगी पर पहले खुद दीवाना बनने की ज़रूरत है। समझेंगे नहीं, तो जब कोई जख्म खाकर कि मैं पागल, मेरा मन वा पागल, पागल है मेरी प्रीत रे, पगलेपन की हीर वो जाने जिसका बिछड़े कोई मीत रे। तो ईसा इब्ने ज़करिया वो कहते हैं कि तुम मोहब्बत में कामिल हो, तो मोहब्बत में कामिल हो जा। अब सवाल ये है, क्या मोहब्बत में कामिलियत ये है कि मैं दौलत जमा कर लूं, या मोहब्बत में ये कामिलियत है कि मेरे कारोबार फैल जाए, मशहूर शख्स बन जाऊं, दौलत हाथ आ जाए। ईसा कहते हैं ये कामिलियत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कामलियत है क्या। तो माफी चाहता हूँ, आप बताइए क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, जिस सब ये पूछ रहा था ताकि वो सुन रोजे साहब। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग वो घूम रहे हैं, तो हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। तो मोहब्बत कामलियत है क्या। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि जब भी खुदा मिला है किसी को, वो इलम पे नहीं मिला। मैं आपको ये बात समझा दूँ, अगर आपका इलम इतना हो जाए कि आप फरिश्तों से भी आगे निकल जाए इलम में, खुदा आपको नहीं मिलेगा। तो तभी तो मैं एक वो कहानी पेश करता हूँ, जब मैं जंतों से गुज़र रहा था तो फरिश्ते करोड़ों करोड़ों साल
इलम और सजदे और रकू में वो पड़े हुए हैं। तो वो आपस में कहने लगे, देखो ये कल का शख्स है और खुदा ने इसको बुलाया, और ये देखो हम करोड़ों साल से इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अभी तक दावतनामा नहीं आया खुदा का। मैं बता रहा हूँ कि इलम जो है वो क्या है, वो खुदा से नहीं मिलाता। इलम शऊर दे देता है, मेरी बात याद रखना। अच्छा, मैंने उन फरिश्तों से कहा कि तुम भी मेरे साथ हो लो ताकि पता लग जाए कि मुझे क्यों बुलाया गया है और तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया, बात सामने आ जाए। तो जब हम खुदा की हजूर पहुँचे तो जो वो हुसन के परतू थे आसमानी नूर के, उन्होंने कहा, खुदा क्या तूने इसे अकेला नहीं बुलाया था? खुदा ने कहा हाँ। कहा ये तो अपने साथ लोगों को ले और फरिश्तों को लेके आ रहा है। खुदा ने कहा सबको आने दो, जिस जिस को ये लेके आ रहा है। अब वो भी आ गए, मैं भी आ गया, सजदा किया खुदा को। खुदा अपने हाथ में गुलाब की एक जन्नत लेके खड़ा हुआ है, गुलाब की जन्नत। और वो जन्नत इतनी बड़ी थी कि खरबो ज़मीनें उसके अंदर आ जाएं। मैं सिर्फ बात समझा रहा हूँ इलम की और कामलियत और मोहब्बत क्या चीज़ है। अच्छा, ये मैंने किताब में भी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी लेंगे। तो खुदा ने कहा, देख ये फूल एक गुलाब की जन्नत मैंने तेरे लिए बनाई है। अच्छा, जब वो हाथों से फैली तो वो तो सितारों से भी बड़ी थी। अच्छा, अब वहाँ मेरा हाल क्या हो रहा है, मुझे वो जन्नत दिखाई नहीं दे रही। तो फिर फरिश्तों ने मुझे हिलाया, कहा खुदा का शुक्र अदा कर के तेरे लिए जन्नत बनाई। अच्छा, उन्हें दिखाई दे रही है जन्नत है, जन्नतों का हुसन भी दिखाई दे रहा है उनको, वो अजीब से मंजर भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब तीन दफ़ा खुदा ने कहा क्या तुझे ये जन्नत नज़र नहीं आ रही, तो मैंने खुदा से कहा मुझे तेरे अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। जन्नत नज़र आए तो बताओ ना। तो खुदा ने कहा फरिश्तों से तुम बताओ। तो उन्होंने तो वहाँ लेक्चर दे दिए, जन्नत का हुसन, जन्नत के मौसम, जन्नत की जो जो थी वो बताते चले गए। खुदा ने कहा बस इतना ही फ़र्क है, इसलिए मेरा दावतनामा तुम्हें अभी नहीं आया। खरबों साल हो गए हो, दावतनामा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इसको कुछ मेरे सिवाय दिखाई नहीं देता। तो अगर तुम्हारा आपका इलम इतना बड़ा हो जाए कि फरिश्तों से भी आगे निकल जाओ, खुदा से मुलाकात नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, दौलतमंद बन जाओ, खुदा से मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, दौलतमंद से एक नुकसान हो जाता है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये दौलत आपको फिर खींचेगी दुनिया की तरफ। हाँ, अगर दौलत से फ़ायदा यूं उठा ले कि खुदा की राह में दे दे तो फिर बंदा बच जाता है। तो कामियत है क्या, तो मैं इसके मुतालिक ये बताता हूँ। अगर आसमानों ज़मीनों के सारे ही राज खोल दिए जाएं और तुझे खुदा से मोहब्बत ना हो तो फिर तू कुछ भी नहीं। मैं आपको बस सिर्फ ये बता रहा हूँ, इतना कामिल हो जाए कि तुझसे कोई गलती ही ना हो, लो जी कर लो बात, इतना कामिल हो जाए तुझसे कोई गलती ना हो और खुदा की मोहब्बत तेरे अंदर ना बसे तो तू कुछ भी नहीं। समझेंगे?
इतना तुझे नूर मिल जाए, जैसे बड़ी अजीब बात थी, जैसे आप एक बड़ी मशहूर गाड़ी लेते हैं यूरोप में, उसके अंदर इतने सिस्टम हैं आपको समझ नहीं लग रही, मिसाल के तौर पे। तो जब ये मूवमेंट वालों ने वो बड़ी गाड़ी दी, उसमें आप मसाज भी ले सकते हैं। मसाज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मसाज? जी, मसाज ही कहते हैं। मसाज ले सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें आप स्टेयरिंग पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, सिस्टम है वो चलती जाएगी और खुद ही ब्रेक लगाई, बड़े बड़े सिस्टम हैं। अब मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो बच्चे हैं वो उनको सारी चीज़ों की समझ आ गई। मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, तो मैं जन्नतों में से गुजर रहा था, जन्नत में कदम रखे तो मैंने एक हुसन का परतू देखा। उसके हुसन में वो के मौसमों की और नूरों की बारिश देखी मैंने उस नूर के अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये वो है जो खुदा का पता बताएगा? मैं ये बात बता रहा हूं अपनी जवानी की। तो मैंने कहा इसके हुसन में, इसका हुसन इतना है कि ये तो जन्नत को ही लेके, जन्नत भी छाई हुई है इसके नूर से, ये खुदा का पता बताएगा। तो मैं नज़दीक हुआ और मैंने कहा अगर खुदा के अलावा कोई सजदा होता तो मैं तुझे कर देता। अच्छा, तो मुझे खुदा का बता कि किधर की तरफ गया है, कहाँ गया है, किस सिमत पर। अच्छा, वो मुझे बड़ी हैरानगी से देखने लगा। तो मैंने उससे कहा कि ए हुसन के परतू, है फरिश्तों से भी आला, तू मुझे हैरानगी से क्यों देखता है? उसने कहा मैं हैरानगी से तुझे इसलिए देख रहा हूँ कि तेरे दिल के अंदर तो नेविगेटिंग सिस्टम है जो तुझे अभी बता देगा कि खुदा किस तरफ गया। यानी कि चिराग तले अंधेरा हो गया, सारा कुछ तेरे अंदर है और तू मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, ज़रा वो नेविगेटिंग सिस्टम निकाल ताकि मुझे तो पता लगे, क्योंकि अंदर मेरे और मुझे पता नहीं लग रहा। आप डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए, वो आपकी बीमारी की दुआ आपके सामने मेज़ पे रखी हुई है, आपके सामने मेज़ पे रखी हुई है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है जब तक डॉक्टर ना बताए कि भाई ये आँखों के सामने रखी हुई है दवाई, यही तो दवाई है। तो उसने वो नेविगेटिंग सिस्टम जो है वो मुझे बताया, तो मेरे दिल से नूर निकला, तो उस नूर की रोशनी में खुदा की ज़ात दिखाई दी। उसने कहा ये ले, और फिर वो भी बड़े शौक से देखने लगा। तो मैंने कहा मेरा शौक तो है, लेकिन ये इतना क्यों वजन में आया हुआ है? तो बाद में पता लगा ये उसकी पहली मुलाकात थी खुदा से। मैं आपको बता रहा हूँ ज़रा। फिर खुदा की ज़ात के पास पहुँचा तो मैंने कहा अब्बा जी वो जो अंदर लगाया हुआ उसकी मुझे समझ नहीं लगती सिस्टम की। खुदा ने कहा मर के आएगा, आहिस्ता आता खुद ही लग जाएगा पता, तो जाएगा ना बड़े बड़े जानों में, वो सब तुझे सिखा देंगे। तो कहने से मुराद ये है सारे जहानों की चाबियां तुझ में हों और तुझे ना पता लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तू मोहब्बत का हासिल तो हो गया है, खुदा की मोहब्बत का। मैं बता रहा हूं कि ये जो कुल जहान है ये तलाश में है कोह मकां की, कुल जहान, और कोह मकां जो है वो खुदा के मोहब्बत करने वाले की तलाश में है। बात समझा रहा हूं। तो आज तक ऐसा हुआ मुझसे जो भी कोई मिला
कायनात के अंदर, फरिश्ता, नबी। तो मेरी पहली आंख ने देख लिया क्या गलतियाँ हुई, लेकिन मैंने उसकी गलतियों पे निगाह नहीं रखी। मैं ये तलाश करता रहा इसकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत की घड़ियाँ भी थी कि नहीं थी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ पा जाने के बाद भी खुदा तेरी मोहब्बत का खुलासा नहीं हुआ तो फिर तू कुछ भी नहीं। एवं झंझार सा ही है, वो क्या कहते हैं, जन 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 सी बजती है। और अगर इतना हो जाए कि तू अपने जिस्म को जलाने के लिए दे दे, जैसे ये इंतहा पसंद मुसलमान करते हैं ना, शहीद शहीद, हर ईट पुट हो तो शहीद निकल आता है। अगर तू अपने जिस्म को जलाने के लिए दे दे तब भी तू कुछ भी नहीं, अगर तूने इंसान से वो मोहब्बत ना की हो। मैं कई दफ़ा आपको वो वाक़या सुनाया, बहुत बड़े सूफ़ी हैं वो सुनाते हैं मुझे, वाजिब वाह खुदा के साथ एकदम जन्नत सामने आ गई। अभी उस सूफ़ी की बात ही की तो वो जन्नत भी सामने आ गई, और वो सूफ़ी भी खड़े हुए हैं। या ओके, फरिश्तों को उससे बड़ी मोहब्बत, फरिश्तों को बड़ी मोहब्बत थी सूफी से, फरिश्तों की बड़ी मानता था। तो क्या बात है, लेकिन ये बात आगे करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपके आमाल इतने हो जाएं कि माउंटेन एवरेस्ट से भी ऊपर चले जाएं, बात समझने वाली है, ज़रा गौर करना ज़रा, तेरे आमाल अच्छाई और नेकी के इतने बड़े हों कि जो सबसे बड़ी पहाड़ों की चोटी दुनिया में है उससे भी आगे निकल जाएं, तो ये नेकी के आमाल जो हैं ये रूई के पहाड़ हैं। बात पे गौर करना, रूई के पहाड़ हैं, एक हसद नफरत और जुल्म की चिंगारी इन्हें जलाकर खाक कर देगी। बात समझ में आ गई, इतने आमाल हो गए आसमानों पे पहाड़ बन जाएं, एक जुल्म की चिंगारी, एक नफरत और बेरहमी की माचिस की तिली इन्हें जला के खाक कर देगी। चाहे तू पहाड़ों से भी ऊपर चला जाए, तो खुदा ने उस पे सूफी फरिश्ते उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, भाई क्या बात है, इसके जैसा कोई गुजरा नहीं। किताबें भी उसने 200 लिखी हुई थी, इलम फसाहत क्या बात है उसकी, करोड़ों प्रोफेसर का बाप बना हुआ था वो सूफी। जब वो सारी तारीफें कर चुके तो खुदा ने एक बात पूछी उस सूफी के मुतलिक फरिश्तों से। खुदा ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ ये मेरी इंसानियत से इसका सलूक कैसा था। अब यहाँ फूक निकल गई फरिश्तों की, क्योंकि सलूक अच्छा नहीं था, नाक उसकी ऊपर को आई हुई थी, क्या कहते हैं मगरूर। हाँ, यहाँ फूक निकली उसकी। खुदा ने कहा मुझे फिर इसकी फसाहत, इलम, नेकी और ये समंदर भर दिए किताबों से मार्फत के, इसको इसका सिला दो और यहाँ से छुट्टी कराओ इसकी। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि मोहब्बत में सनम कभी भी कोई गलती नहीं होती, मोहब्बत में सनम ऐसा भी होता है जहाँ तुम आ नहीं सकते, खुदा की ज़ात वहाँ पहुँच जाती है। मोहब्बत में मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोलते हैं जो लोग ये कहते हैं
निगाहें खुदा को देख सकती हैं। अगर देख सकती तो फिर नबी भी देख सकते थे। खुदा कहता नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुम समझे ही नहीं। जब मोहब्बत में मैं निगाहों तक आता हूं तो फिर देखते हैं। समझ गई बात? झूठ कहते हैं कि निगाहें खुदा को देख सकती नहीं देख सकती। जब हमारी मोहब्बत के संगम पर मैं आता हूं निगाहों तक तो फिर वो देखता है हिस्सा की है? इनका कुरान पढ़ा हुआ खोतों की तरह कुरान को उठा के चल रहे हैं। इन्हें आज तक 1500 साल में किसी ने ये दो फिक्रे नहीं समझाए और मुसलमानी का दावा कर करके इनकी जुबानें सूख गईं। कुरान का एक कौल है, वाइसाला का रब वाइसाला का इबादी फ़ाइन्नी करीब उजैबु दावत दाए व इज़तानी फल यस्तजी बोली। जब साहिल सवाल करे कि मैं कहाँ पे हूँ, पूछे मेरा पता, तो कह देना मैं उसकी शहरग और उसकी सांसों में रच बस गया हूँ। करके तो दिखाएं, ले आओ इन सारे मुफ्तियों को इकट्ठा करके, शैतानों को, इनके अंदर वो मोहब्बत की आग में जले होते तो पता होता ना कुछ। मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, छुप रहा हूँ। वाह वाह, वो मुझे एक फरिश्ते ने कहा ये जो पुराने गीत हैं, ये जो लोग आए थे नौशाद शकील बदायूं, ये सब सूफी थे, ये सारे नगमे उन्होंने तेरे लिए गाए थे। अच्छा आप कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हैं, आप तो अब आए हैं। तो मैं आपको इतना बता दूं, जो जितने भी पहुंच चुके हैं ना रूह की दुनिया में, वो पुराने गाने, उन्होंने कहा था हमारे गाने 1000 साल लोग सुनेंगे, उन्होंने मुझे सजदा करके कहा ये सारे गीत आपके लिए थे। मुलाकात उधर गए, उधर पहुंचे तो फौरन एहसास होने लगा मेरी कदर कीमत का, ठीक है ना। सब अच्छी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो दिल रखते थे। अब देखें ना, एक नगमा है, आप इसको औरत पे लगा ही नहीं सकते। मैं सुनाता हूँ, जिक्र होता है जब क़यामत का तेरे जलवों की बात होती। अब ये गाना क्या औरत पे लगता है? तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती। अब ये गाना चाहे आप कितनी दफ़ा औरत पे लगाने की कोशिश करें, लग नहीं सकता। तो वो जो जितने भी थे पुराने गान गीत, वो मुझे बताते हैं खुद ही, उनमें से एक जिन्होंने बहुत गीत गाए बनाए लिखे जिस पे तल्लत महमूद मुकेश और इन लोगों ने गाए, वो कहते हैं कि मैं मौसीकी से खुदा की तलाश करता था। हाँ जी, तो छोड़े वो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मजमून कहीं और चला जाएगा। अब हम गाने वालों की लिस्ट लेके बैठ गए तो तुम जवाब ये है कि
वाईसाला का इबादी इन अन्नी फ इन्नी करीब। अगर साहिल सवाल कर दे कि वो कहाँ है तो कह मैं शहर के करीब। लो जी, शहर के करीब तो आपकी मोहब्बत करने वाली भी नहीं होती। तो कहता क्या है सुन ले जरा। उजेब दावत दाए, वो जो साहिल मुझे तलाश कर रहा है उससे कह कि तू भी मेरे जैसा हो फिर यानी कि मैं पाक जात हूं। तो क्योंकि ये गधे हैं, इन्हें अपने कुरान की समझ नहीं लगी, इसलिए लोग जालिम बन गए, इंतहा पसंद बन गए, कातल बल्कि खूनी बन गए हैं, बल्कि नमाज पढ़ते हैं इन्हें नफरतें हो जाती हैं, समझे कि नहीं। तो मुझे वो बात याद आ रही है कि बायजीद बस्तामी ने कहा मैं तुझ जैसा होना चाहता हूँ। देखो कितना बड़ा दावा कर रहा है, ये वही दावा है जो ईसा ने कहा था, जिसने बाप को देखना उसे बेटे को देखे। ये वही दावा है जो उसने कहा था मंसूर बिन हलाज ने, अनल हक। लेकिन दावे करने से मुराद नहीं है कि तू वहाँ पहुँच भी गया है। मैं आपको ये भी बात बता दूँ, कहीं कोई शख्स दावा कर दे और आप समझे कि ये पहुँच भी गया है, तो बायजीद ने ये कहा कि मैं तुझसा होना चाहता हूँ और बड़ी दूर निकल गया। तो जब काबे का हज करने गया तो देखा कि काबा नज़र आया और कुछ भी नहीं, तो वापस आके अपना ईरान में कहने लगा ऐसे ईंटे गारे का काबा तो मैं भी बना सकता हूँ। ऐवें इतना बड़ा सफ़र किया गधे पे घोड़े वो ऊँट पर बैठ के। खैर कोई बात नहीं, अभी कामलियत नहीं हुई, ऐसी कामलियत भी लोग चाहते हैं सूफी। तो खैर कोई बात नहीं, 10 सालों के बाद और गया वहाँ पे। तो क्या देखता है, काबे को देखता है तो देखता है कि काबे के ऊपर नूर बैठा हुआ है खुदा का। तो अपने दिल में कहने लगा अब आधी कामलियत हो गई है, यानी आधा कामिल मैं हो गया हूँ। वो मस्जिद वो गारे और ईंटों का जो काबा है उस पर खुदा का नूर बैठा हुआ है, आधा कामिल हो गया हूँ 50%। वापस आया तो बूढ़ा हो गया, तो 70 साल की उम्र हो गई, तो फिर गया। अब जब पहुँचा तो काबा नज़र ना आए, अब काबा नज़र ना आए, सिर्फ खुदा का नूर नज़र आया, तो कहने लगा भाई अब मैं 100% कामिल हो गया हूँ। अब जब ये ख्याल आया कि अब 100% कामिल हो गया हूँ, तो नूर में से आवाज़ आई, वो मैं आपको यूँ समझा देता हूँ अपनी ज़ुबान में पंजाबी में, खाम खां दी गल्ला ना करया कर, समझे कि नहीं, फजूल बकवास नहीं करनी। खुदा की ज़ात ने आवाज़ दे के कहा बा यजीद तू अपनी मैं में जो कुछ भी सोचता रहा तेरी मैं थी, समझ गए मेरी बात, 50% 100%। पहली दफ़ा जब काबा नज़र आया और कुछ भी नहीं था तब भी खैर थी, फिर आधा नूर काबे में नज़र आया आधा वैसे मिट्टी का तब भी खैर थी, अब मैं तुझे पूरा दिखाई दे रहा हूँ लेकिन अब तो तू बेकार किस्म का बंदा बन गया है। अब जो तू मुझे देखकर कह रहा है कि मैं कामिल हो गया हूँ, ये तो तू अपनी निगाह से देख के कह रहा है। बात समझ लगी आपको, ये क्यों भूख सी उठती है दिले जार से, ये वो चिंगारियां सी उठती है ना, इसको चिंगारियों को भी हटाओ, शराबों को भी हटाओ। तो ए बायजीद
जब तूने मुझे अपनी आंख से देखकर तोल के कहता है कि अब मैं कामिल हो गया हूं, तो मैं तो खुदा के साथ एक हूं। तूने तो कलमा पढ़ा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे सिवा कोई है, तूने तो अपनी जात को फनाई नहीं किया। तो हम दो हैं, तू अपनी निगाह से मुझे देख रहा है, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? बात को समझे ना, हमारा गुजारा खुदा के साथ जब मिलती है तो मिले चाहे करोड़ दफा, मिले चाहे करोड़ों दफा, लेकिन ये ना समझना कि तू कामिल हो गया। मैं आप आपको ये बारीकी राज भी बता दूं ताकि मसाइल जरा खुल जाएं अच्छी तरीके से। बंदे की जात जब कामिल होती है, जब खुदा कहे तू मेरे जैसा हो गया है, तो इस जिंदगी के अंदर ऐसे हाल आए कि मेरे दिल से आवाज उठी कि सब जंतों पर जो खुदा ने बनाई उन पे मेरा पैर है। यहाँ एक मैं आपको दिल की बातें बता रहा हूँ, इसे हम कहते हैं फनाटिक। क्या कहते हैं? फनाटिक, इंतहा पसंद नबी। ये उस दौर में ये आती हैं बातें। तो एक ऐसा दौर आया खुदा की मोहब्बत में, मैंने कहा जंतों पे मेरा पांव है, ये खुदा ने सुना। ये मोहब्बत में होता है, चाहे तू करोड़ों दफा खुदा को मिले, इससे मुराद ये नहीं है कि तू कामिल हो गया है, क्योंकि तू देख अपनी आंख से खुदा को रहा है। और खुदा की जात कहती है कामिल जब होगा जब तू मेरी निगाह से मुझको देखेगा। फर्क बता रहा हूं आपको। तो मैं समझा सारी जनता ही मेरे नीचे आ गई, खुदा ने कहा। फिर एक और दौर आया। अच्छा, ये दौर नबियों पे भी आए हैं, जरा मैं बता दूं आपको। ये दौर नबियों पे आए तो मोहम्मद साहब कहने लगे मेरे बाद कोई नबी नहीं। देखा, ये तेरा दौर है, तेरी मोहब्बत है, जिस मोहब्बत की आंखों से तू कह रहा है ये बात है। फिर ईसा पे भी ये दौर आया। वो दौर ये आया जिसने खुदा को देखना है वो मुझे देखे। कितनी बड़ी बात हो रही है। अच्छा, ये सारी इंतहा पसंद मोहब्बत है जो तेरे दायरे हैं। क्या है? तेरे दायरे। तुझे अपना पत्थर मार के जो दायरे बनाए हैं मार्फत इलाही के, ये खुदा के दायरे नहीं है। तो तेरी मार्फत इलाही, तेरी मोहब्बत के जुनून में जो तूने पत्थर मारा, तो उससे ये जो दायरे निकले हैं, चाहे 100 दायरे बने या उससे ज्यादा, ये तेरी मोहब्बत के दायरे हैं। कहीं ये ना समझ लेना कि ये खुदा की जात है। अच्छा, ये मैंने अपनी किताब लाल किताब में भी लिखी है बातें। फिर एक दौर आया, मैंने कहा मेरी जैसी मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं इन कुल्ले जहानों में। खुदा ने उठा के मुझे कंधों पे बिठा दिया, उठा के अपने तख्त पे बिठा दिया और कहा तू मुझसे भी बड़ा खुदा। तो ये ख्याल आया, तो मैंने उस वजह के मैं खुदा को भी तड़ी लगा दी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब दायरे तेरे हैं। मैंने कहा खुदा वजद में कोई दिखा तो सही मुझ जैसा जानों में। खुदा खामोशी से खुदा का नूर गुजर गया। वो इस किस्म के ये तड़ियां लगाना, ये बताना कि मैं ही मैं हूँ, जैसे ईसा ने कहा
कोई नहीं मिल सकता खुदा से, सिर्फ मेरे जरिए। ये सारी तड़ियां हैं। खुदा उस जब उसने ये बात कही, खुदा खामोशी से गुजर गया। खुदा ने इधर से सुनी इधर निकाल दी। जब नबी ने मोहम्मद ने कहा मेरे बाद नबी नहीं, तो ये भी इंतहा पसंदी की अपनी दुनिया थी, गुजर गया। अब मैं खुदा को कह रहा हूँ कोई मुझ जैसा दिखा, इतने इतनी मोहब्बत का हाल ये हुआ। मुकामात, ये मुकामात हैं जो खुदा ने उठा के मुझे कंधों पे बिठा के कहा तो मुझसे भी बड़ा, मुझे सजदा कर दिया। तो खुदा ने इधर से सुनी उधर से सुन के निकल गया। फिर रफ्ता रफ्ता हमें पता लगा कि इन कुल जहानों में तो तुझसे भी बड़े हैं। जब उन्होंने ऐसे बातें की तो फिर उन्होंने भी अपने अंजाम देखे, अपने आईने में अपने चेहरे देखे। तो फिर खुदा ने कहा जरा जंगल में आके बैठना, तू समझता है कि तूने इतने बड़ी कुर्बानियां दे दी, वफा की और अपना मोहब्बतों की, आना ना बैठ। जब बैठा तो फिर ऐसे ऐसे आए कि मैं अपनी जो तड़ियां लगाई थी खुदा को, मैं शर्मिंदा हो गया। देखे ना, आप एक खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, आप सब छोटे छोटे पहलवानों को गिरा दें और आप समझे मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर आपके कोई मद्दे मुकाबले आप जैसा आए जो आपकी सांसें उखेड़ के रखे, उस दिन पता लगेगा आपको कितने बड़े पहलवान हैं। क्या ख्याल है आपका? पता नहीं लगेगा कि किससे वास्ता पड़ा मेरा, राह पे जाने थे भाग पे जाने। तो वो 12 साल जो थे, वो जो सीखा हमने 12 साल इंतज़ार में खुदा की, खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं 12 साल अक्टूबर और 5 बजे मैं यहाँ आ रहा हूँ, ज़रा नहीं कोई नहीं बस इधर बैठ, पहले तो तू कलंदर तो बन, फिर बाद में बात करेंगे तुझसे। कलंदर बना ही नहीं, नॉन कम्प्लेक्स अभी तक तू है। अपनी निगाहों से तोल तोल कर तू बता रहा है कि तू कितना बड़ा है। क्या ख्याल है जी? तो क्या हम अपनी निगाहों से नहीं बताते कि हमारे जो मानने वाले हैं हमने खाली कर दिया, हमने ये कर दिया वो, अपनी अपनी दुनिया में तोल तोल के बताए जा रहे हैं। और जो तराजू खुदा का है कभी उसमें तो बैठ आके ताकि वहाँ पे तुल, तो जब उसमें तुलेगा तू तो फिर तेरे शरीर वजन का पता लगेगा कि तू कितना बोझ या कितनी मोहब्बत उठाई है तूने। तुमने आपने बाल्टी पूरी भरी हुई है, बच्चा हिला भी नहीं सकता, बच्चे ने ऐसे ही पकड़ी हुई, आपने बाल्टी पूरी बाल्टी आपने उठाई हुई है और बच्चा समझे कि मैंने उठाई हुई है, ठीक है नहीं? तो जब तू खुदा की तराजू में तोला जाएगा तो फिर बात पड़ेगी कि तू जब उसकी आग के अंदर तू अगर किलो सोना है तो पिघल कर कुछ ग्राम बन जाएगा, फिर पता लगेगा कि 13 ग्राम है या 14 या 18 ग्राम है। तेरी कदरों कीमत जो है वो तुझे दिखाएगा। तो जब ये दौर गुजरा जंगल में तो कुछ झटके से लगे, ओहो अब समझ लगा कि मोहम्मद ने किस नशे में ये कह दिया कि मेरे बाद नबी नहीं आया। ये उसका पत्थर था जो फेंका, उसके जो दायरे बने वो समझा बस अब मैं ही मैं हूँ। ईसा ने जो कहा मेरे बगैर खुदा से कोई नहीं मिल सकता, तो वो उसका पत्थर था। ये सारे नबी अपने पत्थर फेंक फेंक कर जब दुनिया में पहुँचे तो पता लगा कि खुदा के कुल्लो जहानों का पत्थर जो है वो जिस दिन पड़ गया तो कोई कायनात में जिंदा नहीं रह सकता। तो आपने जो पत्थर मारा है पानी में
वो जितना वजनी पत्थर होगा उतने दाड़े बनते जाएंगे, समझ गई याद? हल्का पत्थर होगा तो हल्के दायरे, बड़ा होगा तो बड़े मोहब्बत के दायरे। तो कोई कितने ही दायरे बनाता जाए, ये तेरा पत्थर था, तेरी मार्फत इलाही का, तेरी मोहब्बत का, ये खुदा का पत्थर नहीं था। तो यहां पर पहुंचकर खुदा ने जो कहा बायजीद बस्तामी से वो ये था कि तू अपनी निगाह से मुझे देखता है तो तूने अपनी जात का तो इनकार ही नहीं किया। तो दो मुकामात हैं, दो मुकामात पे से आप गुजरेंगे, एक फना, अपनी हस्ती को मिटाकर के मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलदार होता है। जब तक आप मिट्टी के टनों मिट्टी के नीचे नहीं चले जाएंगे आप गुलदार कैसे होंगे। फिर मैंने देखा कि मेरे से ही बड़े बड़े पहलवान हैं, उनसे तो मेरी अभी कुश्ती हुई नहीं, और मुझे लगा कि अगर उन पहलवानों से कुश्ती हुई तो पता लग जाएगा कि किस भाव बिकती है। फिर 12 साल जो है वो सब नज़ारे देखे कि तू 12, वो जब मिल गया तो मैं तो 12 साल बैठा, तो वो जो नज़ारे देखे वो ये थे कि लोग अपनी एक जगह से नहीं हिले, सरमस्त सारी जीवन दे बैठे और फिर भी नबी नहीं बन सके। कमाल नहीं होगी वैसे, ये जरा बात बड़ी, कलंदर बन गए लेकिन नबी नहीं बन सके। तो फिर उस जंगल में बिठाकर खुदा ने मुझे बड़ा कुछ दिखाया और बताया। तो ये इंतहा पसंदी ना कि मेरे बाद कोई नहीं आ सकता। तो फिर 12 साल में जब जुबाने लब से ये निकली मेरे बात कि मुझसे भी बड़े होंगे, तो खुदा ने कहा अब बात बनी है, मान गया ना कि तुझसे भी बड़े होंगे है? तो खुदा ने देख लिया कि अब ये खुद ढह गया है, अपनी कुश्ती में खुद ही पिछाड़ हो गया है। फिर खुदा ने कहा आ मैं तुझे सब्र की दुनिया ना दिखाऊं, सब्र क्या होते। फिर सब्र की जो दुनिया दिखाई तो खुदा ने कहा तू क्या ये 30-40 साल दे के समझता है तूने अपना सब्र के पहाड़ों को तय कर लिया। जिस चोटी पर तू खड़ा है ऊपर तो देख सरा, ऊपर देखा तो इतने इतने बड़े पहाड़ थे कि अपनी चोटी ऐसे लगी जैसे चींटी की चोटी होती है। खुदा ने फिर दिखाया अपनी ज़ात पे सब्र तो तूने किया, फिर अहल व अयाल पे सब्र, फिर इर्द गिर्द सब्र, फिर दुनिया पे सब्र, अभी तूने खुदा पे तो सब्र ही नहीं किया। आए है तो मैंने पूछा तुझ पे सब्र क्या, तो खुदा ने कहा फिर मुझ पे सब्र ये है मिलूं ना मिलूं तेरी मोहब्बत वैसी हो। समझ गए बात, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न, मैंने चाहा था कि यूं हो जाए। देखा ना फिर वो अपनी मोहब्बत की बात है, मैंने चाहा था कि यूं हो जाए। अभी मेरी मोहब्बत पे तो कि मिलूं या ना मिलूं आस लगा के बैठा हुआ है तू, तो मुझ पे तो तूने सब्र ही नहीं किया। तो क्योंकि मेरी जात में तेरा सब्र नहीं है, कहीं एक गुल्ली की टुल्ली लगे और तुझे गुस्सा आ जाए, वो क्या कहते हैं गुल्ली डंडा, हाँ जी, वो एक गुल्ली डंडा लगा ईसा को तो सारी मोहब्बत दरी की दरी रह गई। क्या कहने लगा
तू भी छोड़ गया मुझे, आया कि नहीं गुस्सा? मैं आपको जरा आईना दिखा रहा हूं, कहने लगा तू भी मुझे छोड़ के गुस्सा आ गया। मोहम्मद साहब को एक टुली लगी ना गुल्ली की, तो कहने लगे तेरी मदद कब आएगी हैं? आज अगर यूं 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 हो गया, खुदा को कह रहा है बदर में, अगर आज ये मारे गए तो फिर दुनिया में कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। लो अपनी अपनी गुल्ली का टुली ले गई हुई है, तेरे अगर मर भी गए तो क्या खुदा की जान पहचान खत्म हो जाएगी? अपनी गुलियों के टुल्ले लग रहे हैं। तो गुली लगी एक, खुदा ने कहा कि मेरी पर तो तूने सब्र ही नहीं किया। तो पूछा खुदा तुझ पे सब्र क्या है? खुदा ने कहा मिलूं या ना मिलूं तू खाक बन जाए, लेकिन तेरी मोहब्बत वैसे ही हो जो पहली थी। मुझे पहली सी मोहब्बत चाहिए, ये नहीं कि तेरी मोहब्बत ही बदल जाए कि मैं नहीं मिलता। वो कहने लगे जी आपने तो कहा था कि रब को मिलाएंगे, वो मुझ पे आ गया बुढ़ापा, और रब कब मिलेगा? आप मुझे तड़ियां लगाना शुरू कर दे। तो खुदा कहता है इस शख्स ने मुझ पे तो सब्र ही नहीं किया, भाई मैं मिलूं या ना मिलूं, तूने मोहब्बत की थी तो फिर अपनी मोहब्बत को पहली जैसी मोहब्बत लेके आ। तो गुली का डंडा लगा एक थोड़ा सा, ईसा इब्न मरियम कहते हैं, मैं ईसा इब्न ज़करिया कहता हूँ क्योंकि खुदा ने कहा कि वो उसका बाप वो है। तो जो जो बैत कर लें उनका तो फिर सवाल ही, ये सवाल ही नहीं बनता, वो तो बैत कर चुके हैं, मान लिए हैं, अब उन्हें मानना पड़ेगा। ये सवाल जब किए जाते जब ईमान नहीं लेके आए थे, इसलिए मैं कहता हूँ किताबें पहले पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने के बाद ईमान लाने के बाद कोई सवाल और जवाब ही नहीं रहता है। इसकी तस्दीक मैं कर देता हूँ, अभी तस्दीक कर देता हूँ, कुरान से ही कर देता हूँ ताकि आपका ज़रा दिमाग और दिल जो है वो ज़रा सही मुकाम पे आ जाए। खुदा कहता है, पहले कुरान से शुरू करते हैं, वमिन नासी मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। जब तूने मेरी मोहब्बत में सख्त कदम ले लिया है तो फिर क्या बातें करता है मुझसे, फिर काहे के सवाल करता है? तो खुदा कहता है ए मोहम्मद, मैं वो लोग दिखाऊंगा जिनकी पहली और सबसे सख्त मोहब्बत मेरे लिए होगी। वो कैसे होंगे? जन्नतें मिले ना मिले, छुपी रहें, कोई मरे कोई हलाक हो, अपने आप हलाक होकर मरने तक पहुंच जाएं और तब भी कहें कि मेरी मोहब्बत तेरे लिए पहली और आखिरी मोहब्बत होगी। वहां पे पहुंच कर तूने मुझ पे सब्र किया। तो ये सब हमारे भाइयों के लिए जो हमारे मानने वाले हैं, ज़रा सोच के कि ये अभी तक तो मिला ही देखे ही नहीं, तो तूने तो फिर खुदा पे सब्र ही नहीं किया। तो इन सारे मुकामात से मुझे गुजारा खुदा ने जंगल के अंदर। अच्छा, इन मुकामात से जब गुजार रहा था तो खुदा की सुनी, खुदा की ज़ात ने ये नहीं कहा कि बातें करो और खूब बातें सुनाया करो एक दूसरे को, हैं बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। फिर अपने ऐसे इम्तहान दिए कि कंगाल ही हो गया मैं, सब गया, मोहब्बतें भी गई, सब कुछ जोड़ चढ़ा कर निकल गया। और खुदा देख रहा है, देखते आप क्या कहते हैं, समझेगा? जब देख लिया कि हर कुश्ती में ये पिछाड़ हो गया, अब इसका मुंह बंद हो गया, अब ये दूसरे नबियों की तरह नहीं कहता कि मेरे बाद नबी नहीं, हा? तो उस दौरान में एक ऐसा वाकया हो गया जो मैं आपको सुनाऊंगा। उस वाकये ने
खुदा की मोहब्बत जो थी वो तड़प गई कि अपने से बड़ा देख, अपने से बड़ा। तो उस जंगल के अंदर एक शख्स आया, वो शराब में धुत था, दिन का वक्त था। अब खुदा देख रहा है, ये अपने आप को इतना बड़ा नबी कहता है, देखो तुझे होता क्या है। वो शराब में धुत था, वो आगे करीब बैठा, उसने कहा तू यहाँ क्या इंतज़ार करता है। मैंने कहा मुझे खुदा से मोहब्बत है, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। उसने कहा तेरी मोहब्बत क्या है, मेरी मोहब्बत तुझसे बढ़ गई है। तो मैंने कहा अच्छा फिर तस्दीक कर, बता ज़रा। तो उसने दो चार ऐसी बातें की, मुझे हिला के ही रख दिया, शराब में दूध है। तो जो उसने बातें की वो ये थी, मैंने पाया था लेकिन फिर खो दिया, पाया था पाकर खो दिया मैंने। आग लग जाए कि सब कुछ पाके खो दिया, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए जी, समझे कि नहीं। वो क्या है, करते रहे खिजां से सौदा बहार का। खिजा आई हुई है, सौदा बहार का हो रहा है, ये भी तो मांग है। करते रहे खिजां से सौदा बहार का, वो पता नहीं क्या है जो मेरी, हाँ उनके प्यार का आया है, बदला दिया तो क्या दिया उनके प्यार का। ओ खुदा के प्यार की तो तुझे अभी समझ नहीं लगी है कि वो बदला क्या देना है, कि खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, अपनी दुनिया में फना हुए, अपनी दुनिया में ही सूफी हुए, अपनी दुनिया में ही दीवानगे हुए, अपनी दुनिया में सोच सोच कर अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये इस तरह पहुँचाया हमने अपने आप को जैसे गुब्बारे में फूंक भरी होती है, अच्छा वो ऊपर ऊपर जा रहा है, क्योंकि अपनी उसमें आकर वो गुब्बारे में फूंक भरी हुई, तो उसका होता क्या है फिर आखिर में क्या होता है, क्योंकि अपनी फूंक भरी हुई है ना उसके अंदर। अपनी फूंक भरी है तो फिर वो गुब्बारा उसकी किस्मत में है कि उसकी फूंक निकले, क्या ख्याल है जी आपका। ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, अपनी दुनिया में ही अगर पहुंच कर खुद ही फैसले किए तो खुदा की ज़ात का जब फैसला होगा तो फिर तेरा क्या होगा। जब तू अपने ही फैसले करता रहा फना और बका के कि मेरे बाद ये नहीं आ सकता, मेरे बगैर कोई मिल नहीं सकता, ये तेरे ही फैसले होते रहे, तो खुदा का फैसला आया तो तू सोने की, वो क्या कहते हैं सोने की हथौड़ी, वो टक टक करता है सुनार, क्या ख्याल है, हाँ एक लोहार की, लोहार की पड़ी तो तेरी हथौड़ी का भी नहीं पता लगेगा हथौड़ा। तो मैं समझा आपको क्या रहा हूं कि अपने आप पर निगाह रखने वाले जो हैं, हैं कि नेक तमन्नाएं भी लाती हैं उदासी, इन सारे फरेबों सैराबों को हटा दे। मैं ये काफर है, मैं नेक हूं, मैं मुसलमान हूं, ये मैं रोज़ा रखता हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं। और बुल्ले शाह कहते हैं कि तेरे मत्थे कस गए तुझे कुछ भी नहीं मिला, ना रब तीरत ना रब मक्के। तो ये जो 12 साल थे इसमें बड़ा कुछ सीखा। इसमें सीखा क्या मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जन्नतों में जाने के लिए, मुख्तलिफ जन्नतों में जाने के लिए बड़ी सीढ़ियाँ हैं, तवक्कल, ईमान, शजात, सखावत, अमल, नेकी, ये सारे रस्ते हैं जो आपको छोटी छोटी अच्छी दुनिया में पहुँचा देंगी।
तो जो मंसूर बिन हालात चढ़ गए ना क्रॉस के उस पे सूली पर, और जब सूली पे जब चढ़े तो पहले तो मारे गए वो क्या कहते हैं वो बर्छियाँ इधर, ताकि खून छून निकले इसके, शायद अपना इरादा बदल ले, ठीक है। तो जब खून निकला तो उन्होंने कहा ये तो फिर भी बात नहीं आता। अच्छा, उन्होंने कहा अब इसको सूली पे लटकाओ। तो जब वो चढ़ाया गया गलाफ और सूली पे से खींचने लगे तो उन्होंने मजाक में पूछ लिया कि ए मंसूर, आप कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? देखे ना, आपको खड़ा किया, आपके उस पे काला वो क्या कहते हैं वो काला गुलाब, वो क्या कहते हैं गुलाब सा चढ़ाया जी। और सूली लगने लगे, आपको क्या दिखाई देगा? क्या ख्याल है आपका? कुछ कुछ दिखाई देगा आपको। और सूली का फंदा खींचने लगे, पहले वो टाइट करता है, जरा देखता है कि ठीक है, और फिर जब खींचने लगा तो मजाक में पूछते हैं ए मंसूर, अब क्या कहता है, आप कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो भाई उसमें से क्या दिखाई देना है, गिलाफ में से। अब मंसूर की सुनो, वो क्या कहता है, वो कहता है मेरे सामने आसमानी नूर आके खड़ा हो गया है। तो सुनो तो सही, इधर सूली को जरा खेच कर देखा जा रहा है कि सही है कि नहीं, बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा। उधर गिलाफ चढ़ा दिया तो भाई अंधेरे वालों को क्या दिखाई देगा। उधर मंसूर कहता है मैंने आसमानी नूरों को खुदा के अपने सामने देख रहा हूं और मैंने कहा अनल हक, ये बता दे तू में और मुंह में कोई फर्क है, बस ये बता दे। तो वो फंदा खींचने से पहले वो कहता है खुदा की जात ने कहा तू और मैं एक है। अपने आप को ही तोले जा रहे हैं, यानी कि छोटी सी सुई भी नहीं लगी और गुब्बारे की फूंक निकल गई। क्या ख्याल है आपका? वो छोटी सी सुई लगे, गुब्बारे की फूंक निकल जाए और खुद समझे कि मैं तो बहुत पहुंचाऊंगा, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। तो यहां पहुंच के भी देखा गया, उन्होंने मजाक किया। इधर मंसूर कहते हैं खून खून हुए हुए, इधर छाती पे बर्छियां लगी और अंधेरों में वो क्या है, मुझे नगमा याद आ गया, रात अंधेरी दूर सवेरा बर्बाद है दिल मेरा, आना भी चाहे आ ना सके, चांद भी आज छुपा। देखो ना कि अंधेरों के अंदर बड़ी बातें कहने वाली हैं। आपको जिंदा दफन किया जाए, ठीक है कि नहीं? आपको लेक्चर पे ज़रा निगाह रखें, इस वक्त उनको कहें लेक्चर पे निगाह रखें। आपको कब्र में लिटाया जाए और मट्टी डाली जाए आप पर, ये ईसाइत के वाकयात बता रहा हूं ये मैं, जिंदा दफना दिया जाए और इतनी मट्टी डाल दी जाए आप निकल नहीं सकते और अंदर से आवाज आ रही हो कि आज पहली दफा तो मैंने खुदा को देखा है। मैं आपको बता रहा हूं ये मार्फत इलाही, आज तो मैंने खुदा को देखा है। तो वो जो थे ये अपना सरमस, ये सिर्फ ये कहते थे, बात कहीं से कहीं जा रही है, ये औरंगजेब का दौर है, इनके करोड़ों मानने वाले थे। मैं आज आपको ऐसी बात समझा रहा हूं कि आप अपने अंदर गौर करके देखें। ये नाचते कूदते तो इनके मानने वाले भी लाखों कूदते, तो कहते क्या थे, ला ला कोई नहीं। अच्छा भाई, अब अगर आप कहें कलमा यूं कहें, वो कलमा ये है, मैं बताता हूं, ला ला इल्लल्लाह, कोई नहीं सिवाय एक खुदा की जात के। तो ये कहते हैं अपना सरमस, कोई नहीं। तो औरंगजेब ने इनको बुलाया, उन्हें कहा तू तो पुठा कलमा पढ़ रहा है, आगे ये भी पढ़ इल्लल्लाह, कोई नहीं सिवाय खुदा के, और फिर उससे आगे पढ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि वो तुम्हारे नबी थे हमारे। अब उसकी बात सुनो, वो क्या कहते हैं, बड़ी गौर तलब बात है।
वो कहता है मैं खुदा की मोहब्बत में फना हो गया, मैंने जन्नतें छान मारी, मैंने फरिश्तों को देखा, मैंने जिनों को देखा, मैंने बड़ी बड़ी मखलूकात को देखा, लेकिन खुदा को नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए लाइला है ही नहीं। वो मोहब्बत में फना हो गया, जनून हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, जनते देखी, फरिश्ते देखे, सब कुछ देखे, लेकिन जिसको मैं देखना चाहता था वो तो है ही। तो मेरे लिए कलमा ये है लाइला नहीं है, मेरे लिए नहीं है। उन्होंने कहा भाई अच्छा, तो उन्होंने कहा बाकी कलमे की तो क्या बात करता है मोहम्मद रसूल, वो तो बाद में बात होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसको जामिया मस्जिद में लेके आओ। 3 दिन दिए और वो बड़ी सीढ़ियाँ थी, टॉप पर लेके गए और वहाँ पे खड़ा करके इसकी गर्दन मारने लगे। तो कहने लगे अच्छा अब क्या कहता है? उन्होंने कहा अब भी वही कहता हूँ कि वो नहीं है, जन्नतें हैं, मौत के बाद ज़िंदगी है, फरिश्ते हैं और मखलूकात हैं, खुदा नहीं है। उन्होंने कहा फिर इसकी गर्दन मारो। जब गर्दन मारी तो गर्दन लुढ़कने लगी पौड़ियों पर जामिया मस्जिद की। जब वो पौड़ियों पे से लड़क रही थी तो इसका जो गर्दन थी उसमें से आवाज़ आ रही थी, आज पहली दफ़ा देखा है, इल्लल्लाह, आज पहली दफ़ा देखा। तो आप कसम खा के बताएं, आपकी अभी गर्दन मारी गई? ना बता दे आप। नहीं, अभी तो आपके इम्तिहान ही शुरू हुए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो हमने इससे भी आगे के इम्तिहान देखे जनतों में। अभी तो ये तो है ना कोई, ये जो इम्तिहान है ये तो छोटे छोटे हैं, जनतों में हुसन के परतू होंगे वो इम्तिहान और होंगे। उन जनतों में से गुजरते हुए तुझे 2 सेकंड भी जो खुदा के हैं वो तुमने किसी और को दे दिए, वहीं तेरी परवाज रुक जाएगी, वहीं तेरा ठिकाना होगा। आपकी गर्दन तो मारी नहीं गई अभी। तो जब मैं रात को दुआ करता हूँ तो मैं खौफ ज़दा हो जाता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन अभी तो पता नहीं कौन कौन से इम्तहान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अभी और बूढ़ा करके मुझे देखेंगे चलो इसको जेल में भेजो, हैं, बाकी जो पीछे रह गए उनको भी निकालो, और बूढ़ा मरे जेल के अंदर आखिरी सांसों में, और फिर पूछा जाए अच्छा अब बता अभी तेरी गर्दन तो नहीं कटी है, अभी तो नहीं मारी गई तेरी गर्दन, इन आखिरी सांसों में बता अब क्या होगा। इस तरीके से इम्तिहान दिए जाते हैं। मैंने देखा कि ऐसे इम्तिहान भी आएंगे जो मुझे दिखाए गए तो मैं तड़प गया, मोहब्बत एक तरफ तड़प गई, मैं एक तरफ तड़प गया कि पता नहीं कौन कौन सी अभी दुनिया इम्तिहान की और आएंगी। तो खुदा की ज़ात पर सब्र और चीज़ है। मैं आपको छोटे छोटे इम्तिहान बता देता हूँ ताकि आपको ज़रा याद कर लें। छोटे छोटे इम्तिहान, औलाद पर, अपनी बीवी पर, अपने माल मता पर, ये सब कुछ छिन जाए इसे क्या, वो तो इम्तिहान की गिनती में भी नहीं आते, बड़ी अजीब सी बात है, गिनती में भी नहीं आते। वो जो गिनती शुरू होती है कि शाबाश, वो ये कि सब कुछ लुटा के भी तू मेरा हो, सब कुछ लुटा के भी मेरा रहे और मेरी मोहब्बत पहले जैसी हो, तो उस गिनती में पहली दफ़ा सफ़र शुरू होता है खुदा के साथ। और वो कैसे शुरू होता है? शाबाश शाबाश,
अब तेरा सफर मेरे साथ शुरू होगा। तो जब मैं ये लेक्चर देता हूँ तो इससे मुराद क्या होती है मेरी? मुराद ये होती है कि अभी हमने खुदा की कदर कीमत को नहीं जाना। तो तौरात को ले लें, अंजील को ले लें, कुरान को ले लें, तीनों जगह पर एक ही बात हो रही है, तीनों जगह पर एक ही मजमून चल रहा है। कुरान का, क्योंकि आप मुसलमानों में से हैं, कुरान के मजमून और तौरात अंजील के मजमूनों में, भगवत गीता के मजमूनों में, ये जो जितने मजहब हैं एक ही बात हो रही है। कुरान की बात बता देते हैं, वमा कदर अल्लाहु हक का कदरी। ए मोहम्मद, ए उम्मत, और यही बात ईसा कह रहे हैं अपनी उम्मत को, बड़े बड़े नबी, तुमने खुदा की कदर और कीमत को तो जाना ही नहीं। करे बात, खुदा की कदर और कीमत को तूने जाना ही नहीं। अब मैं जब 40 साल दे बैठा, फिर दौर और आया 20 साल का, 7 साल का दौर था, तो मैं जंगल में से गुजर रहा था, तो खुदा का नूर सामने आके कान में एक बात कह के गया, यहां से पता लगता है कि तू कितने पानी में है। कान में एक बात कही, कहा कि ए मसीह जमा, अब तुझे मेरी कदरों कीमत की खबर लगी कि नहीं लगी? अब तूने मेरी कदरों कीमत को जाना। इसका सिला यह है कि तुझसे जो अब लोग आएंगे वो मेरी कदरों कीमत को बचानेंगे। तौरात अंजील में एक ही मजमून है कि खुदा के नूर से जमीन रोशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोशन हो जाएगी। अब तुझसे ये नूर की दुनिया आएगी, अब दुनिया बदल जाएगी। अब इनको क्यामत की भी समझ नहीं लगी। ये जो हमारे मजहब वाले हैं, समझते हैं सब टूट फूट जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यामत से मुराद बुराई की दुनिया खत्म हो जाएगी और नेकी का सूरज तलू होगा। तो मैं आपको आज जो बात बता रहा हूं वो ये होगी, अपनी तरफ निगाह करके, बके ये मजहब वाले तो क्या, ये तो अपनी तरफ निगाह भी नहीं करते, ये तो दुनिया के कीड़े हैं। इस्लाम को पकड़ा हुआ है, अंजील को पकड़ा हुआ है, तौरात को पकड़ा हुआ है कि हमारे नबी शफात करके हमें पहुंचा देंगे। अब जो हकीकत है वो ये, आगे आपको आपके नबी ना मिले, आप मरे नबी ना मिले, वो पता लगे यहाँ तो कोई नबी खड़ा ही नहीं हुआ, फिर आपका क्या हाल होगा? वह नबी के खिलाफ खड़े हो गए कि हमने सोचा था कि नबी आके शिफात करेंगे हमारी, यहाँ तो कोई नबी खड़ा ही नहीं हुआ, जो खड़े हुए वो फरिश्ते और वो हमें बचाए जा रहे हैं दोजख में। तो फौरन ही नबी के खिलाफ ही सोच शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो फिर वहां जाके पता लगे कि नबी के भी हाल दिखाए जाएं, और आप देखेंगे ओहो, आपको वहां लाइव खबरें मिलें, देखो जैसे टीवी में मिलती है। फिर वो सारा नशा इश्की का निकल जाएगा, सारी इश्की निकल गई। फिर वहां एक ही बात आएगी दिमाग में, शऊर में, दिल में, ओहो तूने खुदा की कदर नहीं जानी। तो मैं आपको किस तरह बुला रहा हूं, अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मैं आपको उस आग की तरफ बुला रहा हूं, वो लगा के मैं आपको आपसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप आगे आ जाए ताकि आपकी जिंदगी संवर जाए। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है कि ये जो यूरोपियन है, ना मजहबी है, ना कुछ है, ना कुछ है, सब कुछ खाली करके पढ़ते हैं और इन्हें फौरन मिल जाता है। होना ये चाहिए ना कि जो हम मसीही हैं हमें ना मिले, हमें जल्दी मिल जाए। वो हुआ ये कि हमने और सनम आशनाओं के हम अपने अंदर बसा लिया, तो हमें क्या खाक मिलेगा?
आपने वो इकबाल का शेर सुना हुआ है ना, मैं जो सरे बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये जो हमारे नए मेंबर हैं, जब ये मेरी आवाज़ सुन रहे हों जो मैं कह रहा हूँ, तो एक तरफ ध्यान लगाएं, एक तरफ कि ये खुदा की जो बात कर रहा है उसको सुनते सुनते खुदा तक पहुँच जाए, मुझे भी निकाल दे बीच में से। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है खुदा, ये कह रहा है वो, खुदा का सुनते सुनते मैं भी निकल जाऊँ, किताब भी निकल जाए और आप खुदा के पास पहुँच जाए। तो वो क्या कहता है जरा सुने तो सही। रांझा रांझा कमांदे मैं आपे रांझन होई, आय हाय रांझन रांझन आखो मैनू ते हुन हीर ना आखे कोई, ठीक है। अच्छा ये जो अभी हमारे मरे हैं ना, जिनके मतलब मैंने अभी बोला था, आपको याद होगा पिछले दिनों में चर्च में मैंने वो सुनी आपने वो तकरीर, उसका उर्दू में तर्जमा करा दें। अच्छा तो वो अस्पताल में थे, तो वो कहते हैं कि मुझे खबर ही नहीं हुई कि मौत एकदम आ कैसे गई। मैंने कहा क्यों, कहा कि मैं वो आखिरी वक्तों में पछता रहा था कि जो आपने कहा था एज ए नबी और खुदा के मुतालिक, काश एक ज़िंदगी और होती तो उसे फिर सुनता, बस उसी ख्याल में मेरी मौत आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि मौत कब आई मुझे। अच्छा तो कह लेंगे मुझे एहसास जब हुआ, जब फरिश्ते कह लेंगे आ अब तुझे तेरी दुनिया दिखाते हैं तूने रहना कहाँ पे है, तो वहाँ मुझे एहसास हुआ मुझ पे तो मौत आ गई है। तो इसका भी आप ऐसा करें अतर साहब, वो जो मैं बोला हूँ वहाँ पे चर्च पे, मैंने दो बातें की, कभी ये गिरजा सिनेगॉग जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कभी ये यहूदियों का था, फिर उनका भी नहीं रहा तो ये ईसाइयों का हो गया, और मैंने कहा अब इनका भी नहीं रहेगा, अब ये खुदा का हो जाएगा। तो वहाँ पुलिस वो ऊपर बैठे सारे सुन रहे थे, उन्हें पहले ही पता है कि ये शख्स जब भी बात करता है हमें गुस्सा दिला देता है, तो वो जो ऊपर बैठ के, हाँ जी वो ऊपर बैठ के पियानो और सब सुन रहे थे वो भी, तो वो कह रहे थे देखो आज ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फिर तो पहले ये गिरजा मंदिर ये सब उनके थे, आज भी उनके हैं, और मैं वहाँ पे खड़ा होके कहा खुदा की ज़ात ने कहा है अब ये उनके नहीं होंगे बल्कि ये खुदा के हो जाएंगे। और मैंने कहा कि ये लिख लो, रिकॉर्डिंग कर लो इस चीज़ को कि आज से 80 साल के बाद ये चर्च, ये सिनेगॉग, ये सब चीज़ें, इनके मानने वाले आके सुनेंगे कि खुदा का दिल क्या कह रहा है। और नई सदी जो शुरू होगी, ना वो खुदा के दिल की होगी, वो खुदा की मोहब्बत की सदी होगी। तो उसको तर्जमा करा ले तो वो बड़ी अच्छी मैं बोला, और मैं पहला शख्स हूँ, इतनी आग लगी हुई थी कि मैं पहला शख्स हूँ, मैंने कहा आज ईसाइत की दुनिया देख ले कि ईसा ने कहा था कि कोई उसको देख नहीं सकता सिवाय बेटे के, और मैंने कहा आज देख लो, ठीक है ये कहा था ना कि उसको सिवाय बेटे के कोई, आज देख ले कि खुदा की तस्वीर जिंदा खुदा की यहाँ पे लगी हुई है और जिंदा खुदा का दिल यहाँ पे खड़ा हुआ है, देख लेना तेरे है जी, तेरा ही चर्च है, तेरे ही चर्च के अंदर, बच्चे मुझसे याद नहीं रहा वरना मैंने एवान साहब को कहना था कि वो भी आ जाए, बहरहाल मुझे
हाँ जी कोई बात मैंने मैंने दे जी मैंने देखा, लेकिन मैं कब्र पे दूसरे दिन गया हूँ, मैं देखा, दुआ की जाके, मैंने कब्र की फोटो लगाई मैंने अच्छा, जी। अच्छा आपने दे ये खुजस्तान का ये जी जो जी कब जी फ्रीडम की था ना, बिल्कुल ठीक है वही ये जनाजा, वो चार लोग सूटर हाँ बूटर पहले सूट वाले लेके जा रहे थे। हाँ उस पे पत्थर भी लगेगा हाँ जी कि लगेगा, मैंने फोटो ये ग्रुप में भी लगाई हुई है। अच्छा, तो उस पे लिखा जाएगा, जी उसके ही अल्फाज लिखे जाएंगे खान कि फैमिलिया हाँ जी, नहीं उस पे अल्फाज लिखे जाएंगे कि मैं सारी खुदा का दिल मेरे पास रहा, लेकिन मैं प्यासा रह गया, जी। नहर मेरे करीब से गुजरती रही, नहीं बनेगा उसके पत्थर पे जो कुछ बनेगा वो खुदा की तस्वीर बनेगी। अच्छा ये बात कहाँ से आई, वो मारियन रात को कहती मैं 2 बजे उठी तो खुदा ने कहा अब ये जितने मेरे मानने वाले हैं वो जो पत्थर होता है ना उस पे मेरी तस्वीर होगी। अच्छा बड़ी अजीब बात है, जब वो मिट्टी फेंकने से पहले खुदा की तस्वीर को मैंने कब्र की तरफ किया, जी, बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा जब किया तो वो सांडा जो सामने था, मैं तो खैर देख ही रहा था, कहने लगा आपके और आपकी जो बीवी है उनके दरमियान में तीसरा शख्स खुदा की जात खड़ी हुई थी। नो, कभी इस तरह भी जनाजे गए, और मैंने कहा था कि ए ईसा देख तूने कहा था मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, ये जो दफनाने जाते हैं एक मरा वो भी मुर्दा, जो दफनाने गए वो भी मुर्दा, जिसे भी खुदा का दीदार नहीं हुआ वो सारे मुर्दे हैं अंधे। तो मैंने कहा ए ईसा ज़रा नीचे निगाह तो कर, चाहे इतने लोग नहीं बैठे लेकिन सब जिंदा हैं, सब सबको खुदा दिखाई दिया। तो अच्छा उन्होंने वो फिर बाद में मैगजीन में भी बताया कि ये आया हुआ था, इसने फिर पागलपन शुरू किया अपना, इसको दौरा पड़ता है, ये बातें की। तो वो मैगजीन भी मैं इधर रख के ना तो फोटो खिंचवाऊंगा, फिर दूसरे मैगजीन में उन्होंने, अच्छा ये मैगजीन पूरे यूरोप में जाता है, तो फिर नीचे आर्टिकल भी लिखे उसने उन्होंने, तो मैं अब खिंचवा के तो मैं एहतर साहब आपको भेज दूंगा इंग्लिश में। तो जी सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हज़रत जाफर सादक कहते हैं आप अकेले रह गए, माविया ने सबको अपने साथ मिला लिया, और वो जो क्या क्या कहते हैं पत्थरों से पहले मारते थे जब जंग होती थी, पत्थर मंजमे कहते हैं, जी काबे को ही गिरा, जी हाँ जी काबे को ही गिरा दिया। तो आखिर में ये इमाम जाफर रह गए, तो जब मरने लगे तो किसी ने कहा इनसे अब तेरा खुदा कहाँ पे है, ये बात गई, तू तो अकेला रह गया, तू कहता था यूं और यूं और यूं है। तो इमाम जाफर ने वहाँ एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा आज दुनिया पूरी की पूरी यजीद की है और मैं अकेला रह गया, ठीक है, लेकिन आने वाली कल में मैं सच्चा होऊंगा, यजीद पे लानते पड़ेंगी। तो ये मुराद ले लेना कि किसी के साथ लोग ज्यादा हैं तो वो हक पे है, ये गलत है, चाहे अकेला ही रह जाए, वक्त साबित करता है। जैसे खुदा की जात ने कहा अभी 80 साल नहीं गुजरेंगे तेरी तालीमात पूरी दुनिया में फैल जाएंगी और नबी खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद किताबें पढ़ेंगे, रात को खुदा मिल गया। आखिरी बात करके मैं आपको, ताकि जो ये वाकया होने वाला है, जापान में मेरी तालीमात फैलने लगी, 80 साल का वाकया ही है, ये बात करके ख़त्म करता हूँ। जापान में जब 80 साल के बाद मेरी तालीमात फैलने लगी तो जो बादशाह है, डेमोक्रेसी है लेकिन ब्रिटिश की तरह, जैसे क्वीन और इनकी हैं और ये क्या कहते हैं प्रिंस,
इसी तरह उनका भी बादशाह और फिर डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो ज़दीनी हैं ये रात को 2 बजे बड़ी दुआ करते हैं, इसलिए आए दिन नबी बनता रहता है ये यहाँ पे। तो उन्होंने कहा रात को इन पढ़ने पे पाबंदी लगाओ, इनको रात को काम कराया करो, दिन में काम ना करें। बड़ा बड़ा कुछ किया, बात नहीं बनी। और जापान के अंदर जापानियों को मेरी तालीमात पढ़ पढ़ के खुदा मिलते थे। ये 80 साल में हुआ ये सारा वाक़िया, 80 साल में। तो वो जो इनका बादशाह था, यानी कि जो डेमोक्र जमहूरियत तो है, लेकिन इनके शहजादा शहजादी हैं जिनकी, जैसे क्वीन की ब्रिटिश है, तो उसने बड़ा जोर लगाया कि इनको ख़त्म करो ज़ैदीनियों को। तो एक रात उसे ख्याल आया कि मैं ही ना किताब पढ़ लूँ, ये लाल किताब सुन लूँ, देखो तो है क्या अंदर। जब सुनी तो उसी रात उसको खुदा मिल गया। अब उसे खुदा मिल गया तो वो तो सारा दिन उनका ख़राब हो गया, वो तो कुछ और सोच के। अब शहजादी कहने लगी कि बादशाह सलामत आप ये क्या किसी गम में हैं, सोच में क्या हो गया। उन्हें कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। दूसरी रात कहा चलो थोड़ी सी और पढ़ के देखूं शायद। दूसरी रात किया फिर खुदा आ गया, तीसरी रात किया फिर खुदा आ गया। अब तो उसके छक्के छूट गए। अच्छा ये काम कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं तो दुनिया से कूच कर गया था, ये कौन काम कर रहा है बताए ना। खुदा की जात कर रही है, मैं तो कहाँ कहाँ पिति कहाँ पिति का शोर हुआ। वो पिति आसमान पे लाते ऊपर करके सोती है, तो कहा पिति ये क्या काम, कहा अगर मैंने लाते नीचे की तो आसमान गिर जाएगा है? तो जब 3 दिन हो गए तो फिर शहजादी ने कहा अगर आपको मोहब्बत है तो मुझे अंदर की बात बताएं। उन्होंने कहा क्या बताऊं, मैं तो ख़िलाफ़ था इन ज़ैदीनियों के, ये खुदा इनको मिलता जाता है, मैंने बड़ा कुछ किया, इन पे पाबंदियाँ लगाई, कुछ नहीं हुआ मुझसे। तो मैंने कहा मैं भी किताब पढ़ के देख लूँ है क्या अंदर, कौन सा जिन है इस बोतल, कौन सा जिन है इस बोतल में। तो मैंने अभी खाम खा गलतियाँ निकालने के लिए मैंने किताब पढ़ी, वो मुझे खुदा मिल गया। पहले तो मैंने कहा चलो हो गया, झटका सा लगा मुझे, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी और पढ़ के देखो। दूसरी रात भी, तीसरी रात भी। उसने कहा अच्छा ऐसा हुआ आपके साथ? उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, तो मेरे तो छक्के छुड़ा दिए 3 दिन से खुदा ने, और मुझ पे अजीब सा हाल है, और मैं मर के मेरा क्या होगा। तो उसने कहा शहजादे से कि ज़रा वो किताब मुझे दे दें मैं भी पढ़ूँ। उसने हाँ, उन्होंने कहा चलो तेरा तजर्बा हो गया हो गया, मैं भी पढ़ूँ। उसने भी सुननी शुरू कर दी। पहली रात आई उसको भी मिल गया, दूसरी रात हुई उसको फिर झटका लगा, उस फिर आया खुदा। अब ये कर कौन रहा है, 100 सुनार की और 1 लोहार की पड़ रही। ओ मैं तो मर गया था, मैं तो पड़ा हुआ था कब्र में। जब 3 दिन हो गए खुदा मिलते मिलते, तो बीवी कहने लगी एक रात को उठ के, अच्छा वो साथ ही लेट गया। उसने कहा कि तेरे से वाकई मुझे फ़ौरन बताना। वो उठी, उसने कहा मैंने अभी खुदा को देखा है। तो वो जो बादशाह था उसका दम ही निकल गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया है? 3 दिन वाकई हुए। अब दोनों सोच रहे हैं, अच्छा सोचते सोचते कहा अब क्या फैसला करें। उसने कहा अब फैसला ये करते हैं कि ये जो एक ख़ानदान की तालीमात जिसका महवर खुदा होगा, यही सकून और अमन और पीस लेके आएगी, हम ये लागू करते हैं इसको जापान पे। तो कल जापान बुद्धा का था, आने वाले दिनों में हमारा होगा, और हमारा भी नहीं होगा खुदा का होगा। तो मैं आधा फिक्रा बताता हूँ ईसा का और आधा बताता हूँ कुरान में क्या लिखा हुआ है। वो जब सूली पे चढ़ा क्रॉस पे, तो कहा एली एली लमा सबक्तना, मैं अकेला रह गया, तू भी छोड़ गया। तो अगला जवाब हमने अपनी किताब में लिखा है।
खुदा ने कहा ना तू अकेला रहा, मैं तो ना मैं तुझे छोड़ के गया हूं, मैं तेरे मानने वालों को दुनिया के ऊपर सबसे आगे रखूंगा। आए हाय, आज भी 2000 साल हो गए हैं, आज भी ईसाइत सबसे पहला मजहब है इस दुनिया का, और इतना ऊपर रखूंगा कि फिर क्यामत आ जाएगी, यानी कि फिर मेरे दिन शुरू हो जाएंगे, बुराई की दुनिया खत्म होगी। करो ना बात, क्यामत तक। और मैं यही तो कह रहा हूं कि ये क्यामत से मुराद ये है कि बुराई की दुनिया खत्म होगी, नेकी का सूरज चलू होगा, जो वादे हमसे किए खुदा ने। तो फिर वो जापान जो कल बूता बूता करता था, फिर वो कहने लगा ए खुदा के दिल, ए सच्चे वालदेन, ए सच्चे वालदेन, ए खुदा का दिल। देखा कैसे रुत बदल गई, देखा कैसे बदली रुत। और मैं कसम खा के कहता हूँ उसकी ज़ात की, ये जो आपका वापटा हाउस नहीं है, जो पंजाब पार्लियामेंट है, ये सब गिरा दी गई। और इसके ऊपर जो है, जैसे कोलंबस नहीं देखते, वो क्या कहते हैं, कोलंबस का वो बनाया हुआ है अमेरिका में, लिबर्टी, यहाँ मेरा बना। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा पागल, तो फिर इतना ही ऊंचा मेरा बना। रात को रोशनियाँ पड़ती थी और वो घूमता था मेरा मुजस्सम, खुदा से मत्था ना ला, उसके जो वादे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। ये बात कही थी, ए मोहम्मद तू क्या बात करता है, वो छुपी जन्नतें जो हम कह रहे हैं ईमान लाओ ईमान लाओ, वो आएगा तो हम ये जाहिर कर देंगे छुपी जन्नतें। तो ये आज का लेक्चर था। हाँ जी वहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी मालूमात है हमारे चट्टा साहब को, वहाँ जहाँ मैक्लोर रोड है वहाँ से कोई 8 या 10 मिनट का पैदल रास्ता है, लक्ष्मी चौक जहाँ पे फिल्में बनती हैं। हाँ जी वो बिल्कुल ही नज़दीक है जहाँ पे ये मुजस्मा वापटा हाउस और ये पार्लियामेंट है। मैंने कहा ना कि पैदल चलें आप आराम से, तो 10 मिनट का रास्ता नहीं बनता, अगर मोटरसाइकिल से तो 2 मिनट का रास्ता नहीं बनता, 2 या 3 मिनट का, बस वो सैन में आते हैं फिर रोड़ा ग्राउंड और फिर वो आ जाता है। तो आज का ये लेक्चर था, तो मैं ख़त्म करता हूँ, अगर कोई पूछना है तो पूछ लें, तो अगर चलता रहे या वैसे बंद करूं तो पूछेंगे। करीना जी क्योंकि इनका एक आपसे शेयर करना था हमारे अकरम साहब का, आपकी इजाजत से इन्हें परसों रात को। अच्छा मैं ऐसा फिर खत्म, फिर चलता रहने दें और जी चलता रहने दें। चलो और हमारे अकरम साहब को ना जी 3 दिन पहले खुदा की जात ने बहुत सारे जो पिछले दौर के आदम थे सबसे मुलाकात करवाई है और टेंट लगा के बैठे, तो वाह। हाँ जी ऐसी बातों के, ऐसे बातों के लिए तो हम बैठे हुए हैं, तो आ जाएं तो फिर बताएं। आए जी जी जैसे वो की बातें हम, हाँ जी रिकॉर्डिंग में गए हैं, छुप हमारे क्या आपको बताएगा छोटा सा। हाँ जी आप पर भी सलामती, छोटी सी इम्बस और रात को आदम दिखा रहा है कि कौन कौन से आदम थे, क्या बात है सुनाए, मैं तो बहुत खुशी होगी मुझे, क्या देखा है कैसे देखा है बताए। मैंने सिर्फ ये देखा है जी कि खाकी और पिंक, उसमें पिंक है निशाना, पिंक अच्छा डिजाइन बना हुआ पिंक अच्छा, और खाकी बड़े बड़े टेंट भी होते हैं। हाँ जी वो नहर है, नहर के साथ वो है के साथ बड़ी नहर है उसके साथ लगे हुए। अच्छा लेकिन मैं ये सिर्फ दूंगा, मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने देखा है। अच्छा चलो ठीक है सुनाए जैसे देखा देखा है, और यानी कि आदम ये को भी पता चला है आदम। आए हाय हाय आए हाय, तो कई कई आदमों की फोटो लगी हुई थी वो मुझे सब जी।
कहते हैं जी कि मैं वहां पहुंचा हूं तो मुझे उनको देखते ही मेरी रूह को पता चल गया था कि ये आदम है। ऐसा वाह, मैंने कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के टेंट लगे हुए थे जैसे मेहमानों के, अच्छा, बड़े वाह बड़े टेंट, वाह, आपी, और उसमें पिंक कलर और नहर चल रही थी साथ में जिसमें पानी बह रहा था, या सड़क और नहर ऐसा होती अच्छा। था। उन सब ने इनकी तरफ ना यानी गर्दन मोड़ दी, कहता है कि मुझे अभी तक वो धुंधला, यानी कि नजर जरूर आया है लेकिन अभी उसे वो बात नहीं हुई। अभी भी मेरी जेल में वही है। वही वही वही। अच्छा, उन्होंने गर्दन मोड़ के देखा भी, और क्या कहा आपने अतः साहब? तो मैं आज फिर ये बता दूं, अगर ये आखिरी दम तक, सांसों तक चले खुदा की मोहब्बत में, तो खुदा इनको, क्या बात है, इनसे बहुत बड़ा काम लेगा फिर, क्या बात है। बल्कि मैं यहाँ तक आज कह दूं, इनसे भी काम लेगा, और इनकी जो बच्ची होगी उसको भी खुदा अपना इतनी हम कलामी और नबी बनाएगा, उससे भी ऊपर ले जाएगा। बच्ची के बारे में सुन लो जी हुजूर, उनकी बेटी जब ये घर गए हैं अगले दिन, तो उनकी बेटी कहती है, पापा, I have start seeing visions, ओए मुझे क्यों, शफा नहीं ओह मालूम, लेकिन हाय मैं आपको बता नहीं सकता, हाय फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में ये हुआ। हाय तो दस्तक ये दे रहे हैं, दरवाजा उसके लिए खोला जा रहा है, हाँ कितनी जी। इनकी खुदा की रहमत है इनकी फैमिली पे। बल्कि मैं ये तो यहाँ तक दिखा दिया गया है, इस बच्ची का एक वक्त में आएगा कि यूरोप में मुजस्मा बनेगा, और उस वो मुजस्मा क्या था, मैंने देखा कि इसकी इलम से और इसके नूर और इसकी तालीमात से ये पूरे यूरोप में घूम कर खुदा की तालीमात देती थी, दुनिया में घूम कर। देखिए जी, हाँ, ईमान कोई लेके आए, दरवाजा किसी और के लिए खुल जाए। वाह जी, बहुत ही, अभी अभी चंद दिन की बात है। हाँ जी, हाँ करें बयान, मैं सुन रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम हुआ, हाँ जी, दो दफा गया, मैंने पहले दिन तो गौर नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं, कहती पापा मुझे ये रीजन मैं आपको बता नहीं सकती, ओए होए मैं होए कहती होए, बहुत प्यारे प्यारे रीजन मुझे आ रहे हैं, और बहुत कहते अच्छे हैं या बुरे हैं, कहती बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे। समथिंग रॉन्ग आल्सो, भी बैड ओए आल्सो भी है लेकिन बहुत अच्छे भी हैं। लो जी, एक आपकी बच्ची के मुतलिक मुझे दिखाया गया है, मैं देखता बहुत कुछ हूँ, मैं ज़रा खामोश हो जाता हूँ क्योंकि अभी वक्त दरकार है, ठीक है, और खुदा की ज़ात ही इनको पूरा करेगी। तो मैं कहता हूँ अभी से बताऊँगा तो कहीं पीछे ही लग जाएंगे, हुजूर अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो भाई नहीं हुआ तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, है जी, मर जाओ इंतज़ार करते करते। एक ये और एक इनकी बच्ची, एक इनकी बच्ची का भी देखा है, ये अता साहब की जो बड़ी बच्ची है। हाँ, क्या कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, बताएं आप। चीज ओ सॉरी वो हुजूर फरमाए कि आप बात मुकम्मल फरमाएं, उन्होंने आपकी शान में कुछ लिखा है तो अच्छा पढ़ के अच्छा सुनाना चाहते हैं तो जी। एक एक अकबर साहब की, मैंने आपको सुना नहीं। एक अकबर साहब की बच्ची का, और एक मैंने अतर साहब की बच्ची का सुना। यंग नस्ल में से ये सितारे तोड़ कर लेके आएंगे, ऐ तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तो इनकी तालीमात ये सुनेंगी, तालीमात अगर मैं ज़िंदा हुआ या ना हुआ, लेकिन ये उन तालीमात पर अकबर साहब, अतर साहब, इनसे भी आगे निकल जाएंगे, वो दौर और होगा। यही तो खुदा ने कहा, अभी तो मैं तुझे दिखाऊंगा अपने बेटा बेटी, अभी तो दिखाऊं, अभी तो तूने देखे ही नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या आप बोले, मैं तो बोल चुका हूँ सारा, आप बोले। कोई बात नहीं, खुदा उससे भी बढ़ के नए अहल ले आएगा, समझेंगे, अभी तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं क्या 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 नेमतें खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं, कोई बात नहीं, तो खुदा आपको नया ख़ानदान दे देगा, नहीं है जी।
अच्छा, तो और क्या आता साहब, क्या कह रहे हैं अपना अकबर साहब? देवगुरु को कुछ गुनगुनाना प्लीज चाहिए प्लीज। क्या आपकी वो नजर में, तो मैंने हाँ सबका चाय किया। हाँ सुनाए, मैं बैठा तो है ना कि आपका सनम तू है फलक पे और मैं हूँ जमीन पे, हाँ तू है। इसमें मैंने अपनी तरफ से मेरे दिल में आया और मैंने एक शेर ऐड कर दिया, अगर वाह वाह, आप हाँ सुना दूँ। 10 ऐड करें जी, हम इस मोहब्बत के तो प्यासे हैं हम जो मर्जी चाहे ऐड करते जाए जी। वाह क्या बात है, जब बात दिल से गाई जाए तो क्या कहीं दूर तक पहुंचती है, पंख नहीं लेकिन फिर प्रवास करती है, तो क्या बात है। अच्छा क्या वाह क्या बात है, क्या बात है, एक सेकंड से मैं पानी ले लूँ। इसकी जरा धुन जो है वो फिर मैं जरा सुने। मैं हूँ फलक पे तू है जमी पे, जरा करना खबर तू हमारी, ओ मानो न मानो इन बखेरों में रह के मैं आज भी हूं तुम्हारा। बताता हूँ जी, जरा गाने तो दे खुदा की याद में। मैं हूँ फलक पे नहीं उलझूंगा ना मैं जंतों में तेरी, कलियों की एक खार बन के, ओ जैसे रहे हो वैसे रहोगे दिल में मेरे प्यार बन के हो। क्या बात है, इसमें सब कुछ ऐड कर दें आप अपने दिल की मोहब्बत, फिर ये आपके हो जाएंगे हम हैंड्स अप हो जाएंगे, आपके हो गए। हाँ जी क्या बात है,
और आपका एक कल, मैं एक बात बता दूं, आपका जो कलाम था ना जो भेजा था, क्या बात है, जो पहला कलाम भेजा था क्या है वो, मुझे याद नहीं आ रहा। वो जो पहला आपने भेजा था अकबर साहब का शेर अतर साहब, वो मैं देखूंगा हैंडी में, वो भी बड़े अजीब थे, वो जो पहले भेजे थे शेर सबसे पहले, जी, वो उनका वो मुझे फिर भेज देना। वो क्या थे इनको? जी, मैं फिर अच्छा ये, और क्या थी वो नंबर जो आपने काफी पढ़ी थी, कौन से हाँ नहीं, सबसे पहले काफी जो पढ़ी थी सबसे पहले वो आपने पढ़ी थी उनकी, वो सूफी साहब की, बाबू साहब की, नहीं उससे पहले, अभी मुलाकात नहीं हुई थी तो सबसे पहले। हाँ सबसे पहले। जी, हाँ जी, ये किसके, ये किसकी काफी है, क्या नाम है इनका, ये किसके हैं शेर? अपना कलाम है, अपना कलाम, वाह वाह मैंने अच्छा, वाह 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 वाह। अच्छा वो क्या बात कर रहे थे अपना अपना छठा साहब, क्या कह रहे थे? नहीं अभी तो वापस आया हूँ, आपने नहीं देखी वो फोटो वगैरह, वो ग्रुप वो अभी आप मुझे सोने देंगे कि नहीं, या मैं चलता ही रहूँ? हाँ तो वो जी, तो वो जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ, अब फिर जाऊँगा इस हफ्ते, फिर शुरू हो जाएगा, तो फिर वापस आ जाऊँगा, फिर शुरू होगा, फिर वापस आऊँगा, तो इस तरह होता है, तो इस तरह 6 महीने चलेंगे। नहीं उनसे मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है,
क्योंकि वो कुछ वजूहात हैं, वो बेहतर है मैं दुआ करूं उनके लिए, तो आपके लिए भी दुआ करूंगा। तो मैं इन इनसे वक्त ले लूँगा, वो बैंक में चले गए तो वो और बात है, लेकिन मैं खुद दुआ करूँ आपके लिए ये देंगे और उनके लिए भी, क्योंकि पता नहीं कितना वक्त है ऐवान साहब और हमारे दरमियान। तो अच्छी बात है कि ये बार बार मुझे देख लें। तो जी आप टाइम बना लें, जब भी चाहें मैं आ जाऊंगा मैं कोई बता दिक्कत दूंगा, नहीं। हाँ जी बताऊंगा, मैं अभी अभी बताऊंगा। तो मुझे फिर इजाज़त दे दें, या कोई और बात करनी है तो कर लें, वरना क्योंकि अभी एक और ग्रुप को मैंने वक्त देना है, फिर वक्फा होगा, फिर वक्त देना है। तो ये जितना 6 महीने का चटा साहब जो है, वो मैं जाता हूँ 10 दिन के लिए, फिर वापस आ जाता हूँ। तो उसके बाद कुछ दिन किताबों को देने पड़ते हैं और ग्रुपों को, फिर जाऊँगा। अब मैं फिर छूट जाऊँगा, फिर कोई वापस आ जाऊँगा। तो इस तरह ये 6 महीने चलेंगे। तो वो बात ही, वो तो बता दिया था मैंने कि वो दिमाग से आगे, वो देखा था कि नूर वो दिमाग पे खड़ा हुआ है। तो सवाल जब ख़त्म होंगे, जब, हाँ सवाल जब ख़त्म होंगे, जब मोहब्बत की दुनिया में आएंगे। तो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, बल्कि अभी तक यहाँ भी इतना भी नहीं किया कि मुझसे कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दें तस्वीर के लिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी, वहाँ तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। फिर मैं तो उन लोगों के लिए होऊंगा जो कहेंगे कि जी हमने तो आपसे, खुदा से मोहब्बत की, आपको मान लिया, और आपके लिए ज़िंदगी देने के। कौन? आप खुद ही पूछ लें, और आशीष साहब से भी खुद ही पूछ लें, वो बताएंगे। छुप छुप के प्यार किया, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या। प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है। तो ऐसे वो बात आ जाती है ना कि ईमान और चीज़ है, लेकिन एक गली तो, एक इश्क दी गली तो लंघता है कोई कोई सामने आके, है ये बात है। तो मुझे इजाज़त दे दे, क्योंकि अभी मैंने कोई आधे घंटे के बाद फिर बात शुरू हो जाएगी मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत अकबर साहब और ये जो आ गए हैं, और वो, अब वो मैंने सुनी थी जी, अभी फिर सुनता हूँ वो भट्ट साहब की, ठीक है, वो जो भेजी है आपने मुझे, मैं सुन। मेरे लिए भी दो दुआ कीजिएगा। आपके लिए तो मैं 24 घंटे दुआ करता हूँ कि आप आके मेरे साथ मिल जाए। देखा अच्छा, कि जिस कमरे में खुदा की जात आई थी वो गोल्डन हो गया था, वाह वाह वाह, उन ओए उन जगहों पे फूल बन गए हैं बड़े खूबसूरत। होए होए होए, तो ये उन्होंने देखा था, और नीले नीले पानी भी देखे, फिरोजी ओए नीले होए पानी होए भी। होए। अच्छा ऐसे वाकयात तो उनको कहा करें, मुझे बता दिया करें, भेज दिया करें। मैं को कहूंगा कि हाँ जी। मैं कहूंगा तो आपके लिए मैंने ये देखा कि आप जर्मनी में, एक बहुत बड़ा कमरा था, तो उसी कमरे में आपने बड़े कंप्यूटर लगाए हुए थे, और सैटेलाइट, क्या कहते हैं, इंटरनेट, और आप पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे थे। तो खुदा आपसे बहुत काम लेगा, अपना सूरज साहब, जी। हाँ जी, बहुत काम लेगा। खुदा ने कहा कि ये जो नया मिशन है, ये इसका पॉल होगा, पॉल। तो फ़र्क ये है कि, फ़र्क ये है कि वो जो ईसा का पॉल था वो अंधा था, हमारा पॉल जो है वो नबी है, वो खुदा को देखते हैं, बस ये फ़र्क है हमारा इतना। तो खुदा ने पता नहीं बहुत काम लेना है आपसे। हजूर अगर मुझे कोई रास्ता मिल गया तो मैं पहले आप हजूर को बुला लूँगा, थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा, तो कोशिश तो इसीलिए कर रहा हूँ ना सब,
कि एक ऐसी फाउंडेशन आ जाए कि जो हमारे मानने वाले हैं वो सियासी पनाह ले रहे हैं। तो सियासी पनाह तो आप अब भी ले सकते हैं मेरे मेरे नाम पर अगर यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन यहाँ तक पहुँचना शर्त है। तो वो जो बीवी हैं और गवर्नमेंट है वो मेरे नाम पे सियासी पनाह लेंगे तो वो फिर 4-5 साल का असर ठहर जाएगा आप यहाँ पर। तो ये अभी शुरू हो जाए ये मामला, थोड़ा सा पता नहीं कितने कितने लोग आएंगे। फिर जैसे अहमदियत आ जाती है तो अहमदियत के नाम पे वो सियासी पनाह ले लेते हैं, इसी तरह मेरे नाम पे आप सियासी पनाह ले सकते हैं। थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है चट्टा साहब। अच्छा, तो मुझे इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ जी, खुदा, अच्छा जी, वान साहब, खुदा 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 जी। अच्छा जी, खुदा। Yeah.